अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। आज का सेशन, जिस तरह मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि ये लेवल जो है 44,500, ये यहाँ से लेके 44,300 से लेके 44,500, ये जो है रेजिस्टेंस एरिया है। और यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आप करें, अगर यहाँ पे आपने कोई बाई की हुई है तो। अगेन हमने वही देखा कि यहाँ पे हमने सेलिंग विटनेस किया, और अब आपने पहले भी देखा होगा, ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ये यहाँ पे खुसूसन इस लेवल पे 44,400 के अराउंड, 44,470 77, यहाँ पे आप देखें तो ये रिजेक्शन आई थी। अगर आप देखें इंट्राडे, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक तो किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर जो है, ये लेवल जो है 44,477 या 78 समझ लें, इसके ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं आई है। अगर हम ये पिछली कैंडल देखें 15 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक भी देखें, तो अभी ये जो है ब्रेकआउट करने में ये लेवल अभी नाकाम रहा है। आज उम्मीद हो चली थी, लेकिन ये कि मैंने जैसे पहले कहा था, ये बड़ा स्ट्रांग अभी इस वक्त इनिशियली जो है स्ट्रांग रेजिस्टेंस 44,500 के अराउंड है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती और इसके ऊपर अच्छी बुलिश कैंडल के साथ परफॉर्म नहीं करती, तो हम आगे मजीद अपसाइड नहीं देख सकते। तो यहाँ पे भी हमने देखा है, रिजेक्शन देखी और क्लोजिंग जो है, जो इसका सपोर्ट लेवल है, जो इनिशियल सपोर्ट लेवल था 44,100 और 200 के अराउंड, तो मार्केट ने इंट्राडे में रिटेस्ट भी किया। ये तकरीबन 44,000 अगर हम देखें तो इसने लो किया 44,122 का, और क्लोजिंग 44,177 जो कि इसका सपोर्ट लेवल है, उसको ब्रेक नहीं किया है, उसी के अराउंड जो है इंडेक्स क्लोज हुआ है। अगर हम थोड़ा सा आवर्ली चार्ट पे अगर हम देखें, तो यहाँ पर भी हम देखें, ये देखें, ये मैंने जैसे पहले भी कहता रहा हूँ कि एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, फिर इसके बाद एक बेरिश कैंडल फॉर्म हो जाती है। यहाँ पे हमने थोड़े डोजी बनते हुए देखे आवर्ली चार्ट में, लेकिन यहाँ पे 21 दिसंबर को एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, फिर इसके बाद नेक्स्ट आवर में जो है ये बेरिश हुए, और इसके बाद फिर हमने कंटिन्यूस जो है इसमें बेरिश ट्रेंड देखा। अच्छा, अगर हम आवर्ली चार्ट के हिसाब से देखें, तो जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि ये सबसे पहले जो रेजिस्टेंस थी ये ब्रेक हुई थी, यहाँ से पहले इंडेक्स ने इसको कई दफ़ा रिटेस्ट किया, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को, ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी, और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हमने रिजेक्शन विटनेस की थी। इसके बाद जो है इसको तकरीबन ये 20 दिसंबर को इसको ब्रेक किया आवर्ली चार्ट के हिसाब से, और ब्रेक करते ही मार्केट जो है ये लेवल जो है इसको रिटेस्ट किया था, दो दफ़ा रिटेस्ट किया 44,470 के अराउंड, ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, तो जो कि अब सपोर्ट लेवल में कन्वर्ट हो गया था। मैंने पिछले आप वीडियो देखेंगे, बस मैंने बोला था 44,400 इसी के अराउंड, 44,450 44,470 ये एक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि इससे पहले भी इसी, अगर आप देखें तो 15 दिसंबर को यहाँ पे भी इसको मार्केट ने दो दफ़ा रिटेस्ट किया, फिर अगेन यहाँ से हमने एक बेरिश जो है मूवमेंट देखी नीचे की तरफ, अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर हुई। इसी तरह ये लेवल जो है था रेजिस्टेंस लेवल, तो इसको जो है 21 दिसंबर को ही अगर हम आवली चार्ट पे देखें तो ये इसको ब्रेक किया, और उम्मीद थी कि यहाँ से अब ये आगे परफॉर्म करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो बैरियर है डेली चार्ट का 44,570 44,578, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित हुआ, और नेक्स्ट आवर के बाद ही हम देखें तो यहाँ पे हमने नीचे की तरफ मार्केट को विटनेस किया आते हुए। अच्छा, अब ये अगर हम यहाँ देखें तो यही वही रेजिस्टेंस है जो अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो ये अभी अगर हम इनिशियल देखें आवर्ली चार्ट के हिसाब से, इन दो ट्रेंड लाइन को देखते हुए जो अब सपोर्ट लेवल में, सपोर्ट ट्रेंड लाइन में कन्वर्ट हो गई है, तो एक तो ये लेवल बन रहा है 43,900 के अराउंड, या एक ये अराउंड अबाउट 44 देख लें, 44,000 से लेके 43,790 इस तरह से, या यहाँ पे भी एक लेवल है 700 समझ लें, एक राउंड फिगर ले लें 44,000 से लेके 43,700, ये एक अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं।
अगर मार्केट यहाँ से अगर इसको ऑनर करती सपोर्ट इन दोनों लेवल में, ये आवली चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ से इसको सपोर्ट लेके ऑनर करती है और अगर आवली टाइम फ्रेम में इसी के ऊपर परफॉर्म करती है और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, तो हम फिर मजीद आने वाले सेशन में इसको मजीद अपसाइड देख सकते हैं। इसी तरह डेली चार्ट में भी हम देखें, डेली चार्ट का भी तकरीबन यही लेवल बन रहा है, थोड़ा सा और इसमें एक मजीद गुंजाइश है 43,600 तक। अगर हम देखें ये आ रहा है ये वाला लेवल 43,600, यहाँ तक भी मार्केट और डेली टाइम फ्रेम में रीटेस्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग, इसके नीचे क्लोजिंग या यहाँ पे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, वरना मजीद हम इसमें डाउन साइड देख सकते हैं। अपसाइड अगेन वही मैंने आपसे कहा था, डेली चार्ट में भी 44,500 का लेवल है, तो इसके ऊपर जो है अगर कोई क्लोजिंग आती है, एक ये लेवल भी है 44,680, ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, तो इसको भी मार्केट अगर हो सके तो इंट्राडे में रीटेस्ट कर सकती है, लेकिन रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए, इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को मद्देनजर रखें। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिस पे आपने नज़र रखनी है, वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। आज भी अगर हम देखें इतना डिक्रीज नहीं हुआ, लेकिन जाहिर सी बात है जब यहाँ प्रॉफिट टेकिंग हुई है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी जो है उसमें हमने डिक्रीज विटनेस किया है, आज भी तकरीबन ज़्यादा नहीं था 17 आई थिंक बिलियन कुछ ऐसे ही है, 17 कुछ समथिंग बिलियन है, 17.77 बिलियन का हमने डिक्रीज फिटनेस किया है, तो लेकिन वही अभी तक हम हमारा 8,000 बिलियन रुपीज़ का जो बेंच मार्क है वो अभी तक मीट नहीं कर पाया है। मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख दूंगा करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इस वक्त 7,559 है, अराउंड अबाउट 7,559 बिलियन रुपीज़ है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप इसको ज़रा साथ साथ नोट करते रहें और ये लेवल भी देखते रहें और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखते रहें कि कितना इंक्रीज हो रहा है और कितना डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, आज के दिन आज का जो मैंने स्टॉक पिक किया आज के लिए वो है पैंथर टायर। पैंथर टायर का जब से आईपीओ आया था तो उसके बाद से, ये आईपीओ आने के बाद यहाँ पे हमने एक बहुत ये देखेंगे, हमने ये देखा था पिन बार, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हमने देखी थी यहाँ पे 62 के अराउंड। इसके बाद इस स्टॉक ने ये लेवल जो है 50 का लेवल, ये एक दो तीन दफ़ा रिटेस्ट किया, इसके बाद जो है इसने इसको ब्रेक किया 62 को और ज़्यादा अपसाइड नहीं दिखाया, और अगर हम डेली चार्ट में देखें तो क्लोजिंग भी उधर नहीं हुई है इसके ऊपर, 67 अगर हाई किया है तो क्लोजिंग नहीं हुई है, क्लोजिंग इसकी यहाँ पे हुई 64-65 के अराउंड, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे इसने स्टॉक ने एक्यूमुलेट किया 60 तकरीबन समझे 62 से लेके 64 तक, बहुत नैरो रेंज में ये मूव करता रहा स्टॉक, और फिर इसके बाद जो है गैप के साथ, गैप इसलिए आया कि इसने 20% बोनस 20% डिविडेंड अनाउंस किया था, तो वो एक्स होने के बाद जो है फिर हमने यहाँ एक ये बहुत बेरिश कैंडल देखी, उसकी क्लोजिंग जो है 54 के अराउंड में, इसके बाद जो हम ये ड्रेस्टिकली ड्रेस्टिकली इसमें हम इसमें डिक्रीज देखते हुए आए हैं, तो यहाँ पे आके जो है एक ये समझे इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ था 34, अगर आप देखें मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँ तो लो 34.60 का था, अब तक का इसका जो ऑल टाइम लो है 34.60 का है, जब से आईपीओ का इशू हुआ है और जब से लिस्ट हुआ है KC100 में, इसके बाद जो है यहाँ पे अगेन उसको इसी लेवल को रिटेस्ट किया जो इसका क्लोजिंग था 34.90 या 35 समझ ले राउंड अबाउट, ये लेवल जो है, और यहाँ फिर हमने अगेन यहाँ रिजेक्शन देखी है हमने इस लेवल पे 38.65, अगर इसको ब्रेक करता है तो 39 एक रेजिस्टेंस है जो कि हम देखें ट्रेंड लाइन एक आ रही है यहाँ पे EMA 30 की, ये इनिशियल है ट्रेंड लाइन, ये इंडिकेट करती है कि अगर इसको स्टॉक ब्रेक करके ऊपर जाता है अच्छे बुलिश कैंडल के साथ हम मजीद अपसाइड देख सकते हैं, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म अच्छा है और अंडर वैल्यू है और बहुत ही ओवरसोल्ड जोन में है, तो इस स्टॉक को आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं 34.90 34 35 के अराउंड,
अभी इसकी क्लोजिंग भी जो है 36 के अराउंड हुई है, तो 35 में अगर ये मिलता है तो वेल एंड गुड। और इसको देखें, हो सकता है कि बार बार ये इसको हो सकता है रिटेस्ट कर सकता है, तो बेहतर ही, जिस तरह मैंने ये पहले भी बताया था, ये वाला लेवल 50 वाला, इसको रिटेस्ट किया फिर ऊपर, फिर इसके बाद रिटेस्ट किया 3-4 दफ़ा, तो अगर ये रिटेस्ट करता है तो इस लेवल को, तो आप इसको देखें और ऑब्जर्व करें, और साथ साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन भी, मार्केट भी देखते हैं। अगर इसका ब्रेक, इसको ब्रीच करता है इस लेवल को ये स्टॉक, तो और मजीद डाउन साइड हम इसमें विटनेस कर सकते हैं। और टारगेट जो है हमें, अगर ये ब्रेक करके 39, 40, 41 के ऊपर अगर क्लोजिंग ये स्टॉक देता है, तो ये इसका टारगेट आगे जो है 48 to 50 होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।